खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। गलत तरीके से राशन उठाने वाले कार्डधारियों पर अब होगी कार्रवाई। लोहरदगा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश के आलोक में नगर परिषद व प्रखंडों के अयोग्य राशन कार्ड धारक को हटाने को लेकर उपायुक्त विनोद कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सभी पंचायतों में 10-10 हजार रूपए दिया गया है। अगर वहाँ के मुखिया को जनप्रतिनिधि को या अन्य सोर्स में पता चलता है कि व्यक्ति के पास कागजात नहीं है तो इमीडिएटली उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे जिला में जो हमारे अंत्योदय और PHH के जो लाभुक हैं करीब 86 हजार के आसपास हैं, तो कभी कभी हम उस सिचुएशन पॉइंट पर पहुँचे हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लाभुक जो है आवेदन पत्र देकर ये चाह रहे हैं कि हमको ये कार्ड मिलना चाहिए। तो इसमें हम लोग को संज्ञान में आया कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो इस श्रेणी के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, फिर भी ये कार्ड लिए हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रेस में विज्ञप्ति देकर उनसे अपील किया था कि अगर इस तरह की बात आप छोड़ने करें तो हम लोग शुरू से लेकर दे पाएंगे, लेकिन उसका कोई सफलता जो उतनी अच्छी नहीं मिल पाई है। तो हम लोगों ने पुनः एक अभियान चला रहे हैं कि आपके माध्यम से समय को सूचना दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर वो सिलेंडर नहीं करते हैं तो हमारी जांच दल जो है हम वचन कर रहे हैं और वो हर दरवाजे पे जाएगी। अगर वो व्यक्ति पाए जाएंगे तो उस योग्य नहीं है फिर भी उस श्रेणी में घुसे हुए हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने जितना लाभ लिया है वो वसूली करेंगे, साथ साथ हम लोग एफआईआर भी करेंगे। जो स्वयं श्रेणी के व्यक्ति हैं सरकार के जो लाभ है उसको हम लोग उसको दें और जो उसमें घुस के लाभ ले रहे हैं उसको हम लोग हटाएं। तो ये हमारा जिला प्रशासन किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के नोडल अफसर के रूप में हर पंचायत 600 पंचायत में हम लोगों ने एक एक कर्मी को सरकारी कर्मी को लगाया है, चाहे वो जन सेवक हो, पंचायत सेवक हो, चाहे और भी हमारे कर्मी कर्मचारी हो, उसके माध्यम से हर घर को हर डोर को हम लोग नॉक करेंगे और पता करेंगे कि कौन अयोग्य उसमें घुसे हुए हैं, उसमें हम लोग छापने को ताकि सुरक्षा को हम लोग लाभ दे सकें।